हमारी गार्डन और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे हार्डी परमानेंट पौधे होते हैं जिनकी कटिंग लगाना बहुत ही इजी होता है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही पौधों के नाम शेयर करूंगी जो कटिंग से फटाफट ग्रो भी हो जाते हैं और खुद वही पौधे फिर मल्टीप्लाई होने के लिए मानसून सीजन में रेडी भी हो जाते। तो कटिंग लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो है मिट्टी। मिट्टी हमारी अगर भुरभुरी हो तो हमारी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, उसके रूट्स डेवलप हो जाते। तो कटिंग के लिए एक पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल और एक पार्ट आप सैंड का यूज़ करें। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो ओनली नॉर्मल गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में हम फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग हम बहुत आराम से कुछ ही दिनों में लगा सकते हैं। तो साथ ही अगर आप चैनल में हमारे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मानसून में सबसे तेज़ी से फैलने वाला जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है मॉस रोज, जिसे पोटुलुका या पोचुलका भी कहते हैं। इनके इतने सुंदर सुंदर कलर होते हैं, वैरायटी भी अनगिनत होती है। कलर तो इतने सारे होते हैं कि काउंट भी नहीं कर सकते। डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न के इनके फ्लावर होते हैं। इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है। कटिंग लेने का सबसे आसान तरीका है, आप इनको हल्की पिंच करके ऊपर की टिप की 4 से 5 इंच की कटिंग आराम से ले सकते हैं। जिसमें फूल खिल रहे हैं वो भी कटिंग ले सकते हैं, जिसमें बर्ड्स लगे हुए हैं उसकी भी कटिंग ले सकते हैं और वैसे छोटी छोटी सी कटिंग भी ले सकते हैं। तो एक बास्केट को भरने के लिए 6 से 7 कटिंग काफ़ी होती है। कटिंग लेने के बाद कटिंग को हम उसी सैंडी सॉइल में लगाएंगे। लगाने से पहले आप किसी भी टूल से या किसी भी डंडे से थोड़ी सी होल ज़रूर बना लीजिएगा। 2 इंच 3 इंच की गैपिंग में एक एक छोटी छोटी कटिंग को अगर हम इस तरीके से लगा देंगे, हल्की हाथों से आप आसपास की मिट्टियों को दबा दीजिए और कटिंग को लगा दीजिए। ये कटिंग इतनी जल्दी फैल जाएगा, 1 महीने में ये पूरे बास्केट भर जाएगा कुछ इस तरीके से। इस पॉट को भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, तभी इसमें 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा कलर है तो सारे कलरों को एक साथ एक पॉट में लगाकर आप अपने गार्डन में फूलों का मज़ा ले सकते हैं। अगला हमारा जेट प्लांट है। जेट प्लांट एक इंडोर आउटडोर दोनों साइड चलने वाला एक हार्डी और परमानेंट एक सैकुलेंट से है, जिनको ज़्यादा खाद की और पानी की और धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से छोटे पॉट में भी ये पौधा बहुत आराम से चलता है। इस पौधे की कटिंग लगाना बहुत ही ईजी है और इस टाइम इस मानसून का फ़ायदा उठाते हुए आप इस पौधे की कटिंग ज़रूर करें। ये पौधा ऐसा है कि एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो आप अपनी मर्जी से ढेरों पौधे एक ही सीजन में तैयार कर सकते हैं। बस कटिंग लेने की तरीका आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कटिंग करें तो ऊपर की ऐसे टिप की कटिंग ज़रूर होनी चाहिए। टिप की कटिंग लेने से ये बेनिफिट होता है कि हमारे जो कटिंग है वो जल्दी से जल्दी रूट्स ग्रो कर देता है। तो ये देखिए, मैंने ऊपर की टिप की कटिंग ली है और ये 3.5 इंच की कटिंग है। जेट प्लांट की ऐसी छोटी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगला हमारा पौधा है, ये है रॉकेट से ज़्यादा भी स्पीड से बढ़ने वाला पौधा, जिसे टटर वाइन कहते हैं। इतनी तेज़ी से ये पौधा बढ़ता है कि एक ही बार आपके गार्डन में लाने की ज़रूरत होती है। इस टाइम इनके एरियल रूट इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं कि इस पौधे को बस कट करके आप कहीं से भी कट करके ऐसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी गैपिंग में अगर दबा देंगे तो मतलब 1 वीक भी कंप्लीट नहीं होगा, आपका ये बास्केट पूरी तरीके से भर जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात होती है कि इनमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे करें, ज़्यादा पानी भर के ना दे, नहीं तो ये कटिंग से गल भी जाती है। इन कटिंगों को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। स्वीट पोटैटो वाइन एक ऐसा वाइन प्लांट है जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसके 2 कलर आते हैं, ये डार्क पर्पल और एक डार्क ग्रीन। दोनों कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं और इस टाइम ये पौधा खुद ही बोलता है कि हमारी कटिंग करो और हमें 1 से 2 बनाओ। ये देखिए, इनके हर नोड एरिया में छोटे छोटे से आपको एरियल रूट नज़र आ रहे होंगे, तो कहीं से भी आप नोड एरिया से इनको कट कर दीजिए।
ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, छोटे छोटे से ये वाइट कलर के रूट्स ग्रो हो रहे हैं। बस इनको एक अलग से सॉइल अगर मिल जाए तो ये पौधा बहुत जल्दी इस एरियल रूट को ग्रो कर देता है और ये पौधा बहुत स्पीड से बढ़ता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी एक्स्ट्रा इनकी लीव्स होती है उनको रिमूव करके अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये पौधे बढ़ जाते हैं। इस मानसून सीजन में अगर आपने कटिंग से कोलियस को अभी तक ऐड नहीं किया तो फटाफट आप टाइम निकाल के कोलियस को कटिंग से ग्रो ज़रूर करें। कटिंग से ग्रो करने से पहले इनके ऊपर अगर ऐसे फ्लावर्स बन रहे तो उनको पिंच करके आप पौधे से ज़रूर निकाल दें। कटिंग लेने का एकदम आसान तरीका है, ऐसे इनकी मेन स्टेम से बहुत सारे ब्रांचेस ग्रो हुए रहते हैं, उनको हल्की हाथ से दबाने से ही ये अलग हो जाते हैं, और नहीं तो आप किसी भी टूल से या कटर से इनको कट कर सकते हैं। 5 इंच की कटिंग काफ़ी होती है इनको ग्रो करने के लिए। बस ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी आप कटिंग को लगाएं नीचे की एक्स्ट्रा लीव्स को रिमूव करके 3 से 4 नोड एरिया को मिट्टी में दबा के ज़रूर रखें। साथ ही इनमें पानी का ध्यान रखें, धूप में बिल्कुल भी ना रखें कटिंग को। धूप में रखने से इनकी कटिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और रूट्स ग्रो बिल्कुल भी नहीं होता है। और छोटे पॉट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे अधिक लाभदायक होता है। ये पौधा एल्मोनियम प्लांट है, देखिए दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये पौधा कटिंग से ही मेरा तैयार पौधा है, अब ये खुद कटिंग के लिए एकदम रेडी हो गया है। कटिंग लेने का एकदम आसान तरीका, आप टिप की कटिंग ज़रूर लें। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी कटिंग करें तो टिप की कटिंग लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जितनी भी लीव्स होती है नोड एरिया से उनको हटाते इसलिए है क्योंकि यहाँ से अगर एक नोड एरिया से रूट्स ना निकले तो दूसरे या तीसरे नोड एरिया से रूट्स ज़रूर निकल जाए। तो मैं इसी पॉट में लगा देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे इनके पौधे हैं, तो एक्स्ट्रा मेरे पास पॉट नहीं है तो इसी पॉट में मैं इसे लगा देती हूँ। कुछ सैकुलेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई होने में बहुत जल्दी काम करते हैं, उनमें से हमारा ये क्लैंचो मरियाना है जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इंडोर आउटडोर कहीं पर भी हम इस पौधे को लगा के रख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत इनके लीव्स होते हैं। धूप में रखने से अलग कलर और इंडोर में रखने से अलग कलर होता है। इसमें फ्लावर भी खिलते हैं वो विंटर सीजन में, इस टाइम हम इसे मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ये मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। क्यों ना, क्योंकि इनके हर ब्रांच के नीचे एक एरियल रूट ज़रूर ग्रो हुए रहते हैं, और अगर एरियल रूट ना भी हो तो भी आप मेन स्टेम से इनके ऐसे जो न्यू शूट्स ग्रो होते हैं, जो न्यू ब्रांचेस होते हैं, उनको डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। मानसून के कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो मानसून में कटिंग से ग्रो भी हो जाते हैं और छोटे से पौधे में फूल भी आ जाते हैं, उनमें से हमारा ये देसी बल्सम है। देसी मिल्सम के बहुत सुंदर सुंदर कलर मिलते हैं, डबल पैटर्न सिंगल पैटर्न के फ्लावर होते हैं। एक एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये 1 वीक पहले मैं कहीं से एक छोटा सा कटिंग लेके आई थी और इस कटिंग को मैंने लगाया था, अभी 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। कितनी अच्छी ग्रोथ पे है मेरा ये पौधा, तो कटिंग इसकी बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे मेरा ये पौधा है तो ऊपर की टिप की कटिंग मैं करके अगर अलग किसी पॉट में लगा दूँ तो वहाँ से एक नया पौधा तैयार भी हो जाएगा और जहाँ से मैं कट करूँगी वहाँ से भी न्यू शूट्स ग्रो हो जाएंगे। तो ये थे कुछ पौधे जिनकी कटिंग हम फटाफट लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो ना देरी करते हुए अगर आपके पास है तो इन पौधों की कटिंग करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।